अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहाँ से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है। शिमला मिर्च या मिर्च? शिमला मिर्च मतलब तीखी। लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। आप भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मैंने कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना आए तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार। सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं? जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, तीन चार मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। यार तुम अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं, ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे? यहाँ पे एक से बढ़कर एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका? हाउ आर यू मैम? नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार हो गया है? जी ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है, सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है। फोन लाइए, आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड, कीप मिसिंग मी। आई ऑलवेज डू। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह, जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? यू आस्क्ड मी फॉर इट कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगा। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी, इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी, तो मां कसम एम्बुलेंस। ओहो, हॉरर कॉमेडी, सुपर साहब क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए बहुत ताली थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यू शुड ट्राई बेबी, कम ऑन प्लीज, यू शुड ट्राई एट लीस्ट वन। जिंदगी झंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, घमंडवा बोल रही है, फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टंडकवा, मतलब जो भी आपने बोला एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू का भी मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको, बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल। ये दुल्हन बनके क्यों आई हो?
मेरे ख्याल से उसने नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया. Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is नहीं होता. I am होता है. But I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you. You know, I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. करेक्ट इंग्लिश क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. Zor da taliyan. Come here, you sir. If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है. इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है. वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं. रेस टू, मर्डर टू, हाउसफुल टू, आई लव यू टू. यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी. एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा. तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूँ कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ. मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो. इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी. तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना. अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम के मिसमैच से डरते हो? मिसमैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो. ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना. ओह वाओ, जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो. हथगाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो. हाय फरहान. हाय शिल्पा. हाय कपिल, जरा पास आइए. अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं आसपास? How are you? कपिल? Very good. हाँ, very good. और पास. अरे कितना पास आए बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको. हाइट ना आपने, तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है. ये तो बात सच्ची है. आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां. ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती, नेटवर्क आ जाता है. भगवान आपको, उनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को. कपिल वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद. तू बहुत बोल रहा है अभी, भूल मत तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक. अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है. ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है. याद करिए फिल्म शोले, एक आदमी ने ही बनाई थी. रमेश सिप्पी साहब आपको सैल्यूट है सर. अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेन्स जो है सबसे आगे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार, और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी. अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी, तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है. फिल्म हिट हुई थी उनकी मां निरुपा रॉय की वजह से. अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं. अच्छा उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी. देखिए ऐसे नहीं होता. आप देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं, बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी. कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना. अरे आदमी औरत बना इसलिए तो फिल्म हिट हुई. और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? 4-4 हीरोइने थी उसमें, इसलिए हिट हुई है. चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं. मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है. मैं सीरियसली फरहान मैम एक मौका दे रहा हूँ. हाँ. आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है. डिस्काउंट? जी. अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा.
डांस डांस तो दिखाना होगा। कपिल 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 कपिल, ये तो मैं देख के ही रहूंगी, आज हो जाए।